हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सैम्पल रिपोर्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले हमने मैथ्स का कर लिया है, साइंस का कर लिया है, चलिए इसको करते हैं। सैम्पल पेपर हम लोग करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आपका मेन एग्जाम में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा ये आपको पता चल जाएगा, टाइम कैसे मैनेज किया जाता है, किस रफ्तार में आपको पेपर सॉल्व करना है, किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है, किसको बाद में अटेम्प्ट करना है, बहुत सारा चीज़ आपको पता चलता है सैम्पल पेपर को करने से। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और देखिएगा हम पेपर को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं। ठीक है, वो सब चीज़ हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन देख लिया जाए। टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का, मैक्सिमम मार्क्स है 40, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको टोटल 50 करने हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर है 3 सेक्शन, सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है जिसमें से 18 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से 14 क्वेश्चन आपको करने हैं। सेक्शन बी राइटिंग और ग्रामर सेक्शन है, इसमें 12 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से 10 करने हैं। और सेक्शन सी लिटरेचर सेक्शन, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें से आपको 26 करने हैं। ठीक है, तो 14 + 10 = 24 और 26 टोटल 50 क्वेश्चन है और मार्क्स है 40। ठीक है, सभी क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। चलिए तो रीडिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट आता है अप्रोच लेने में, कई सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोचते हैं कि पहले पूरा पैसेज को पढ़ के समझ ले फिर क्वेश्चन करे, या फिर पहले क्वेश्चंस को पढ़ ले फिर पैसेज पे आए। ठीक है, या फिर पैसेज और क्वेश्चन साथ साथ लेके चले, तो कौन सा अप्रोच लिया जाए तीनों में से? तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, पैसेज पे, इसलिए तो हम लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं ताकि आइडिया मिल जाए। जो अप्रोच यहाँ पे लगा रहे होंगे यही अप्रोच मेन एग्जाम में भी लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि पैटर्न सेम रहने वाला है, तो सैम्पल पेपर सॉल्व करने का यही फायदा है। तो देखिए, एक बार मान लीजिए हमारे लिए ये पैसेज नया है, कैसे अप्रोच लगाएं? तो सबसे पहले एक स्टैंजा पढ़ेंगे हम, यहाँ पे छोटा सा स्टैंजा है तो 2-3 लाइन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है नेचर इज आवर मदर आवर फर्स्ट टीचर। ठीक है, द ग्रेटेस्ट लेसन दैट सी टीचेस अस इज टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम इन लाइफ। नेचर हमें ये सिखाती है, वी लर्न टू मेंटेन कंपोजर थ्रू आवर जॉयज हो सोरोज टीयर्स। किसी भी सिचुएशन में हमें अपना कंपोजर बना के रखना है। ठीक है, शांत स्वभाव। इनफैक्ट देर आर थाउजेंड्स ऑफ लेसन दैट नेचर कैन टीच अस प्रोवाइडेड वी लुक फॉर देम। तो हमें समझ में आ गया कि ये पूरा पैसेज जो है वो नेचर के ऊपर है, नेचर क्या क्या लेसन सिखाता है उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो एक पैसेज पढ़ने के बाद हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है। और सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 8 out of 10 क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसी पैसेज के ऊपर 10 क्वेश्चन दिए गए, उसमें से कोई 8 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखिए तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट लेसन बींग टॉट बाई नेचर। नेचर सबसे मेन लेसन क्या सिखाती है? बैलेंस्ड इन आवर इमोशन, पार्शियल टू जॉयज इन लाइफ, अफ्रेड ऑफ अनहैप्पीनेस, या फिर इनडिफरेंट टू टीयर्स। तो नेचर हमें मेंटेन करना सिखाती है इक्विलिब्रियम, कंपोजर मेंटेन करना सिखाती है। तो हमें बैलेंस रहना है हमारे इमोशन में। ठीक है, मेंटेन बैलेंस, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो यहाँ पे हम देखें कि एक पैराग्राफ पढ़े और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे कि जो क्वेश्चन है वो पैराग्राफ वाइज बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए हम पैराग्राफ 2 पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे अप्रोच लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये मेंशन भी है कि ये पैराग्राफ 2 पे बेस्ड है, समझे कि नहीं समझे? और वही अगर हम क्या करते कि पूरा पैसेज पढ़ लेते फिर ये क्वेश्चन पे आते, तो हमें ये फिर से ढूंढना पड़ता कि कहाँ पे ग्रेटेस्ट लेसन मेंशन किया गया है। ठीक है, उतना पूरा पैसेज दिमाग में याद रखना पड़ता, तो ये चीज़ से हम यहाँ पे बच रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें पैरा 2 पढ़ना पड़ेगा। लिखा है कि विद टाइम अ सैपलिंग ग्रोज इंटू अ फुल ग्रोन ट्री। ठीक है, समथिंग सो टाइनी एंड डेलिकेट डेवलप्स इंटू अ स्ट्रॉन्ग ट्री कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अदर्स। छोटा सा चीज़ काफ़ी मजबूत बन जाता है। नो मैटर हाउ टॉल इट ग्रोज, हाउ मच इट में फ्लरिश और हाउ मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स इट में सपोर्ट, इट्स रूट्स आर फर्मली बरीड फ्रॉम वेयर इट रोज। भले ही वो ट्री कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन उसका जो जड़ है जहाँ से वो ग्रो किया रहता है वहाँ पर वो काफ़ी मजबूती से पकड़ा रहता है। ठीक है, डैट्स अ लेसन टू कीप आवर सेल्फ ग्राउंडेड, रेस्पेक्ट एंड इम्ब्रेस आवर रूट्स। तो यहाँ पर हमें लेसन मिल रहा है कि हमें भी अपने रूट्स, जहाँ पर हम, जहाँ से हमारा जन्म हुआ है, ठीक है, वो हम्बल बिगिनिंग में, वहाँ पे समथिंग गिव बैक करना है, रेस्पेक्ट शो करना है। ठीक है, उसे अपनाना है। डैट नर्चर्ड अस इनटू हु वी आर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं तो आप, हो सकता है कि एक दो वर्ड आपको समझ में ना आए, हो सकता है कोई सेंटेंस ही समझ में ना आए, तो उतना टेंशन नहीं लेना है, तभी भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको पढ़ते जाना है।
क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन डैट सूटेबली कम्प्लीट्स द डायलॉग विथ रेफरेंस टू पैराग्राफ टू। ठीक है, डायलॉग है, जय बोलता है, आई हैव डन वेल फॉर माई सेल्फ इन दिस स्कूल, आई एम द बेस्ट दे हैव, आई कैन गेट एडमिशन एनी वेयर, दिस इज माई मोमेंट। जय बोलता है कि इस स्कूल के लिए हम बेस्ट है, ठीक है, मैं सबसे अच्छा, मैंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, ये मेरा मोमेंट है। तो सिद्ध बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, जस्ट रिमेंबर वी शूड। तो सिद्ध क्या होना चाहिए यहाँ पे, देखिए हमें हमेशा क्या रखना चाहिए, बिकम स्ट्रांग डिस्पाइट आवर वीकनेस। तो ऐसा कुछ नहीं है, सेकेंड पैराग्राफ के बेसिस पे जवाब देना है। तो सेकेंड पैराग्राफ में हमें मेन लेसन क्या मिला था कि हमें अपने रूट्स या फिर ओरिजिन्स को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, रेस्पेक्ट द ओरिजिन्स फ्रॉम वेयर वी हैव ग्रोन, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, चलिए थ्री का क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, चूज द ऑप्शन डेट बेस्ट कन्वेज द मैसेज इन आई एम बिकॉज वी आर। चलिए पैराग्राफ थ्री पढ़ते हैं, देन देयर इज अ मैसेज ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। फिर एक नेचर जो है वो और एक मैसेज देती है, पीसफुल शांति से सबको मिलकर रहना है। ठीक है, आई एम बिकॉज वी आर, मैं इसलिए हूँ क्योंकि हम हैं। ठीक है, मैं अकेला इस अर्थ में नहीं जिंदा रह सकता, सब लोग हैं इसलिए मैं भी रह पा रहा हूँ। नेचर प्रोवाइड्स एवरी क्रिएचर अ चांस टू एग्जिस्ट, हाउ एवर द एग्जिस्टेंस ऑफ वन क्रिएचर और बींग डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर। ये काफ़ी अच्छा लाइन है, कोई भी क्रिएचर एक दूसरे क्रिएचर पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल द टाइगर इट्स द एंटीलोप, विदाउट द एंटीलोप द टाइगर वुडंट सर्वाइव, टाइगर एंटीलोप के बिना नहीं जी सकता है। और उसी तरीके से बिना टाइगर के द ओवर एबंडेंस ऑफ एंटीलोप्स वुड कॉज देम टू स्टार्व टू डेथ, अगर टाइगर इनको नहीं खाएंगे तो एंटीलोप क्या है, भूख के कारण मर जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या था, चूज द ऑप्शन डेट बेस्ट कन्वेज द मैसेज इन आई एम बिकॉज वी आर, मैं हूँ क्योंकि हम है। तो यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहा है, टाइगर्स डिपेंडेंट ऑन एंटीलोप नहीं, ये तो बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल हो गया ना, हमें जनरल मैसेज देना है। तो ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन, नहीं ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तीन क्वेश्चन हुआ। फोर, व्हाट क्वालिटीज डू द बर्ड्स एंड स्क्विरल्स डिस्प्ले व्हेन दे वॉर्न ईच अदर्स ऑफ पॉसिबल डेंजर। तो पढ़ते हैं बर्ड्स एंड स्क्विरल्स के बारे में, ये रहा, आई वॉन्डर इफ यू हैव नोटिस दैट वैन बर्ड्स और स्क्विरल्स सी अ प्रीडेटर दे गिव आउट एन अलार्म कॉल टू देयर फेलो क्रिएचर्स ऑफ द लर्किंग डेंजर। ठीक है, जब चिड़िया किसी शिकारी को देखते हैं तो वो अलार्म दूसरे को सचेत कर देते हैं, ठीक है, लर्किंग कोई हिडन या फिर आने वाला डेंजर को। दे पुट देमसेल्फ इन डेंजर टू सेव द लाइफ्स ऑफ अदर, मैनी एनिमल्स लाइक द सैलमन यूजअली डाई आफ्टर दे स्पॉन, बट दिस डजेंट स्टॉप देम, वन लाइफ एक्सटिंग्विश्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर इज अ स्मॉल प्राइस टू पे। जितना समझे उसी के बेसिस पे आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो बर्ड्स और स्क्विरल्स यहाँ पे कौन सा क्वालिटी डिस्प्ले कर रहे हैं, तो डिस्प्ले कर रहे हैं कौन सा होगा आप ही बताइए क्या होगा यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन स्किल्स नहीं, टेंडेंसी टू गेट इजिली फ्राइटेंड नहीं, सेल्फलेस असिस्टेंट टू हेल्प अदर। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, बिना कोई स्वार्थ का दूसरा का हेल्प करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करें, ये भी पैराग्राफ फोर पे बेस्ड है, तो कर लेते हैं इसको, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द अंडरलाइन वर्ड्स डैट कैन सूटेबली रिप्लेस लर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे लर्किंग का मीनिंग ढूंढना है, ये अंडरलाइन वर्ड्स है, कौन सा अंडरलाइन वर्ड्स इसका मीनिंग बता रहा है। तो लर्किंग का मतलब कुछ हिडन छिपा हुआ खतरा, ठीक है, मंडराने वाला आने वाला, तो क्या हो जाएगा रिमेनिंग हिडन। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो फाइव का हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में यहाँ पे पैरा सिक्स का जिक्र किया गया है, तो पैरा सिक्स पढ़ेंगे हम लोग, उससे पहले एक बार क्वेश्चन पे थोड़ा देख लेते हैं। अ पोर्टमैंटू वर्ड लाइक स्मॉग इज अ ब्लेंड ऑफ वर्ड्स इन विच पार्ट्स ऑफ मल्टीपल वर्ड्स आर कम्बाइंड इनटू अ न्यू वर्ड। ठीक है, पोर्टमैंटू वर्ड ऐसे वर्ड को बोलते हैं जिसमें दो वर्ड को मिलकर एक वर्ड बनाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल स्मोक प्लस फॉग तो स्मॉग हो गया ये। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो सेलेक्ट अ पोर्टमैंटू वर्ड दैट अपीयर्स इन पैरा सिक्स। पैरा सिक्स में एक पोर्टमैंटू वर्ड है, उसको ढूंढना है। चलिए देख लेते हैं, कीप इन माइंड लाइफ इजंट अबाउट मेकिंग लिस्ट एंड ट्राइंग टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ अदर्स। ठीक है, लाइफ इज टू लीव, टेक अ ब्रेक, स्टॉप बींग अ वर्कहोलिक एंड स्मेल द रोजेस, डू वॉट एवर मेक्स यू फील हैप्पी एंड मोस्ट ऑफ ऑल स्पेंड सम टाइम विथ नेचर टू पिक अप इन वैल्यूएबल लेसन्स। तो यहाँ पे हमें वर्कहोलिक दिख रहा है, वर्क प्लस अल्कोहलिक दो वर्ड्स मिलकर बना हुआ है, और ऑप्शन में भी था वर्कहोलिक, तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी। 7 पे आ जाते हैं, सेलेक्ट द क्वालिटीज फ्रॉम पैराग्राफ 3 दैट द ऑथर वॉन्ट्स अस टू इम्बाइव। पैराग्राफ 3 में कौन सा क्वालिटी हमें लेने के लिए बोला जा रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पे मैसेज था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का, मिलके रहना है, और कुछ बोला गया था, और तो कुछ नहीं था, एग्जाम्पल्स दिया गया था। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या था वहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन में है बीइंग एक्सेप्टिव, पैशनेट, इमोशनल, रेजिलिएंट, परसेप्टिव। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है एक्सेप्टिव, ये तो हमें समझ में आ रहा है, हमें सबको एक्सेप्ट करके चलना है, कोएग्जिस्ट करना है, ठीक है। तो वन किस में है, बी और सी में वन वन है, दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। दोनों में फोर है तो फोर में दिमाग नहीं लगाएंगे, अब हमें थ्री और फाइव में से कोई चुनना है। थ्री है इमोशनल, फाइव है परसेप्टिव। इमोशनल का कोई जिक्र नहीं है, फाइव ही होना चाहिए, यानी 1, 4, 5, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें यहाँ पे सारा मीनिंग पता हो एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बाय द चेंजिंग ऑफ सीजन्स। चेंजिंग ऑफ सीजन के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, पैराग्राफ 6 हमने पढ़ा था, 5 नहीं पढ़ा है, चलिए पढ़ लेते हैं। द स्नो मेल्ट्स इन द वार्मथ ऑफ स्प्रिंग टू गिव बर्थ टू फ्रेश ग्रीन लीव्स, ठीक है। फिर इन ऑटम दीज लीव्स एज इनटू शेड्स ऑफ गोल्ड, यानी सूख जाते हैं ये सब पत्ते, ओनली टू बी बरीड इन द कोल्ड ग्रेव ऑफ विंटर, ठीक है। चेंज इज इनएविटेबल, तो ये क्लेशन मिल रहा है हमें, चेंज को कोई नहीं टाल सकता है। द सूनर वी एम्ब्रेस दिस द बेटर इट इज़ फॉर अस। वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इवन इन पेन देयर इज ग्रोथ, ठीक है। इफ़ यू कट अ होल इन द ट्री इट विल ग्रो अराउंड इट नो मैटर वॉट मे कम इन इट्स वे, अ रिवर विल कंटिन्यू टू फ्लो। सिमिलरली नो मैटर वॉट ग्रीफ मे ब्रेक योर हार्ट, नेचर टीचेस अस डैट लाइफ गोज ऑन, ठीक है। समझ में आया, जितना भी आया उसके बेसिस पे आंसर देते हैं। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बाई चेंजिंग ऑफ सीजन। तो चेंज इन सीजन क्या बता रहा है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नथिंग लास्ट फॉर एवर, हमेशा कुछ चीज़ चेंज होते रहता है। ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर क्रिएटिविटी, ऑल सीजन इक्वल, ये सब नहीं था, नथिंग लास्ट फॉर एवर आंसर होगा। नंबर 9, वट डज द ऑथर एडवाइज इन पैराग्राफ 6। लास्ट पैरा में क्या एडवाइस करते हैं, तो लास्ट पैरा में बोला गया था ये रहा, कीप इन माइंड लाइफ इजेंट अबाउट मेकिंग लिस्ट, लाइफ इज टू लिव, ठीक है। ब्रेक लेना है, नेचर को इंजॉय करना है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या था, इंडल्जिंग इन कंपटीशन, नहीं कंपटीशन नहीं करना है, प्रायरी लिस्ट नहीं बनाना है, टेकिंग लाइफ सीरियसली ये भी नहीं करना है, हैविंग फ्री टाइम फॉर आवरसेल्व्स, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10, चूज द ऑप्शन डैट लिस्ट द कोट बेस्ट एक्सप्रेसिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया बताना है। नेचर सी पार्डन्स नो मिस्टेक्स, हर ये इज ये एंड हर ने इज ने। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स का जिक्र नहीं है, तो ये तो नहीं होगा सेंट्रल आइडिया। लुक डीप इनटू नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर, ठीक है। हाँ ये हो सकता है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। नेचर नेवर डिसीव्स अस, नेचर हमें कभी धोखा नहीं देता है, हम नेचर को धोखा, हम अपने आप को धोखा देते हैं। तो यहाँ पे इसका कोई जिक्र ही नहीं है पैसेज में। ऑल द अगलीनेस ऑफ द वर्ल्ड कैन बेस्ट बी फॉरगॉटन इन द ब्यूटी ऑफ नेचर, अगलीनेस का भी कोई जिक्र नहीं है, हमें नेचर से सीखना है, समझना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये हो गया पैसेज 1। दूसरे पैसेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे भी ये थोड़ा छोटा पैसेज है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। द पर्पज ऑफ रिसर्च बाई पब्लिशर एसोसिएशन वॉज टू स्टडी द डैश। पहला पैसेज पढ़ते हैं। रिसर्च फ्रॉम द पब्लिशर्स एसोसिएशन हैज शोन दैट फिल्म्स बेस्ड ऑन बुक्स टेक 44% मोर एट द बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू इन द यूके एंड 53% मोर वर्ल्ड वाइड देन ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। तो पब्लिशर एसोसिएशन के रिसर्च ये बताते हैं कि वो फिल्म जो बुक पे बेस्ड है वो 44% ज़्यादा रेवेन्यू कमा के देते हैं यूके में, और पूरे वर्ल्ड का बात करें तो वो 53% ज़्यादा पैसा कमा के देते हैं कंपेयर टू ओरिजिनल टीवी शोज के या फिर ओरिजिनल फिल्म के, ठीक है, जो बुक पे बेस्ड नहीं होते। द रिपोर्ट एक्सप्लोर्स व्हाट इम्पैक्ट अ बुक हैज़ व्हेन अडैप्टेड फॉर फिल्म और टीवी। ये रिपोर्ट में बताया गया कि बुक का क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब इसी बुक के ऊपर कोई फिल्म या फिर टीवी शो बनाया जाता है, तो ठीक है। तो क्वेश्चन था, ये पर्पस पूछ रहा है, द पर्पस ऑफ द रिसर्च बाय पब्लिशर एसोसिएशन वाज टू स्टडी वैरायटी इन फिल्म्स एंड टीवी शोज, नहीं, इम्पैक्ट ऑफ फिल्म ऑन बुक्स। तो ये होगा कि नहीं बताइए,
इम्पैक्ट ऑफ बुक होगा ऑन फिल्म ना, ये तो नहीं होगा फिर। चॉइस ऑफ बुक्स फॉर फिल्म मेकिंग, कनेक्ट बिटवीन बुक्स एंड फिल्म, हाँ ये दोनों का बीच में जो कनेक्शन है उसके ऊपर ये रिसर्च है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 12 देख लेते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन डैट इज ट्रू फॉर द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। द रेवेन्यू जनरेटेड एट द बॉक्स ऑफिस हैज इंक्रीज्ड, हाँ पैसा अब ज़्यादा कमाई हो रहा है। मेजोरिटी ऑफ टॉप फिल्म इन द UK आर बेस्ड ऑन पब्लिश्ड मटेरियल, यानी बुक्स पे बेस्ड है ये फिल्म, तो ये भी सही बात है। ऑप्शन है वन इज द रिजल्ट ऑफ टू, रेवेन्यू इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो फिल्म है वो बुक पे बेस्ड है, हाँ वन रिजल्ट है टू का। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेल्स ऑफ द बुक इन 2017 अलोन अकाउंटेड फॉर 23% ऑफ ऑल द सेल्स इन 1992। ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 2017 में जितना भी सेल्स हुआ उसका 23% बुक्स था। ठीक है, और ये 1992 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, तो देर वार 23% हायर सेल्स नहीं टोटल का 23% सेल्स हुआ है। अ मेजर चंक ऑफ सेल्स हैपेंड इन 2017, हाँ ये भी हो सकता है, बाकी ऑप्शन भी चेक करेंगे। द सेल्स वर लिमिटेड नहीं था। देयर वर वेरी फ्यू बुक्स सोल्ड इन द प्रीवियस ईयर, ऐसा कोई बात नहीं है, ज़्यादातर सेल्स जो है वो 2017 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, बेस्ट मीनिंग अगर दे चारों ऑप्शन में से तो बी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च फिल्म बेस्ड ऑन बुक्स हैव ग्रेटर सक्सेस बिकॉज, तो इसके लिए पैसेज पढ़ना पड़ेगा। द रिपोर्ट रीड्स, रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है पब्लिश मटेरियल इज द बेसिस ऑफ 52% ऑफ टॉप UK फिल्म इन द लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, जितने भी UK फिल्म बने हैं उसमें से 52% पब्लिश मटेरियल या फिर बुक पे बेस्ड है। ठीक है, एंड अकाउंट्स फॉर एन इवन हायर शेयर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दीज लीडिंग परफॉर्मर्स एट 61% ऑफ UK बॉक्स ऑफिस ग्रॉस एंड 65% ऑफ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। द हॉलीवुड एडेप्टेशन ऑफ माई कजन रेच वॉज शोन टू हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सेल्स ऑफ डेफनी डू मोरियर, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन सही कर रही कि नहीं इसका और इसका। ठीक है, थ्रिलर द सेल्स ऑफ द बुक इन 2017 अलोन अकाउंटेड, ये लाइन के ऊपर तो क्वेश्चन हमने कर लिया। द रिसर्च सजेस्ट दैट एडेप्टेड फिल्म टेन टू परफॉर्म बेटर बिकॉज फिल्म कैन लीवरेज द पॉपुलैरिटी ऑफ वेल नोन बुक्स थ्रू एन एग्जिस्टिंग ऑडियंस। तो रिसर्च में ये मेन रिजल्ट आता है कि जो वो फिल्म्स जो बुक के ऊपर बेस्ड है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, क्योंकि एक तो वेल नोन बुक्स का पहले से पॉपुलर है तो वो पॉपुलैरिटी का फ़ायदा मिल जाता है इन फिल्म को, और साथ ही साथ जो बुक्स का ऑडियंस है वो ऑडियंस भी इसको देखना पसंद करती है, तो ऑडियंस भी एग्जिस्ट करता है पहले से ही। ठीक है, फिल्म्स अडेप्टेड फ्रॉम बुक्स ऑल्सो टेंड टू हैव अ रिचर मोर फुल्ली डेवलप्ड स्टोरी टू ड्रॉ ऑन। तो वो फिल्म जो बुक पर बेस्ड होते हैं वो उनके पास ज़्यादा अच्छा स्टोरी होता है जिस पे वो रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टीवी अडेप्टेशन इट वॉज रिवील्ड दैट अ क्वार्टर ऑफ ड्रामाज वर बेस्ड ऑन लिटरेरी सोर्सेज एंड अट्रैक्टेड अ 56% लार्जर शेयर ऑफ द ऑडियंस दैन दोज बेस्ड ऑन ओरिजिनल स्क्रिप्ट। एक बार क्वेश्चन पे आते हैं, कहीं भटक ना जाए हम लोग। क्वेश्चन में बोला गया था कि द फिल्म्स बेस्ड ऑन बुक्स हैव ग्रेटर सक्सेस, क्यों होता है, क्योंकि पीपल लाइक टू सी द कैरेक्टर्स फ्रॉम द बुक्स ऑन स्क्रीन। द फिल्म्स गेट द एडवांटेज ऑफ द फेम ऑफ द बुक्स, इट टेक्स लेस एफर्ट, नहीं द फिल्म्स गेट अ रेडीमेड स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये हो जाएगा, द फिल्म्स गेट द एडवांटेज ऑफ द फेम ऑफ द बुक्स, बुक्स पहले से फेमस है तो फिल्म को उसका एडवांटेज मिल जाता है। ठीक है, चलिए फिर ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन लिस्टिंग व्हाट द गिवन सेंटेंस रेफर्स टू। फिल्म्स अडेप्टेड फ्रॉम बुक्स ऑल्सो टेंड टू हैव अ रिचर मोर फुल्ली डेवलप्ड स्टोरी टू ड्रॉ ऑन, इसका मीनिंग क्या है। द प्लॉट एंड द स्टोरी लाइन ऑफ सच फिल्म्स आर बेटर, ठीक है ये हो सकता है क्योंकि ज़्यादा अच्छा स्टोरी मिलता है। द कैरेक्टर्स आर मोर लाइकली टू बी विविड, अच्छा ऑप्शन ये वन तो सही है, तो वन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, फिर आगे देखिए, द कैरेक्टर्स आर लाइकली टू बी मोर विविड, हो सकता है, आगे देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ सच फिल्म्स इज मेंट फॉर द रिच एंड फेमस, ये तो गलत है, तो थ्री जहाँ पे होगा वो गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, द सेटिंग एंड कॉस्ट्यूम्स आर अडेप्टेड फ्रॉम द बुक और द मेकिंग ऑफ सच फिल्म्स रिक्वायर द ऑथर टू राइट अ सीक्वल, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फाइव जहाँ पे है वो नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होगा।
तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बचा, तो यही राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। आगे मूव करें, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, टीवी सीरियल्स के ऊपर बेस्ड है, पैसेज पढ़ते हैं दोबारा। इन टर्म्स ऑफ टीवी अडेप्टेशन इट वॉज रिवील्ड दैट अ क्वार्टर ऑफ ड्रामा वर बेस्ड ऑन लिटरेरी सोर्सेज एंड अट्रैक्टेड अ 56% लार्जर शेयर ऑफ द ऑडियंस दैन दोज बेस्ड ऑन ओरिजिनल स्क्रिप्ट। टीवी का अगर बात किया जाए, इसके ऊपर फिल्म का बात किया जा रहा था, ठीक है, तो इसमें भी ऑडियंस जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती है बुक्स की तरफ, ठीक है, मतलब उस शो के ऊपर जो बुक्स के ऊपर बेस्ड है। फिर आगे देखें, 14 ऑफ द 35 हाई एंड सीरीज प्रोड्यूस्ड इन द यूके इन द पीरियड बिटवीन जनवरी एंड सेप्टेम्बर 2017 वर बेस्ड ऑन बुक्स। 35 में से 14 जो सीरीज थे वो बुक्स पे बेस्ड थे, कंपेयर टू 7 बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज और हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड 5 बेस्ड ऑन प्री एग्जिस्टिंग फिल्म्स और टीवी स्टोरीज। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग वर द मैक्सिमम टीवी सीरियल्स इन यूके इन द ईयर 2017 बेस्ड। तो टीवी सीरियल्स किस पे बेस्ड थे, बुक्स पे बेस्ड थे। ठीक है, 16 का ए, आगे मूव कर जाते हैं। फिर ये क्वेश्चन है, दिस पैसेज लिस्ट एन एग्जांपल प्रूविंग दैट टीवी ड्रामास बेस्ड ऑन लिटरेरी वर्क्स हैव, वो टीवी ड्रामा जो लिटरेरी वर्क्स यानी बुक्स पे बेस्ड है उसका क्या होता है, इंक्रीज द इमीडिएट सेल्स ऑफ द बुक इंक्रीज। इसके लिए पैसेज पढ़ना पड़ेगा, सेल्स का जिक्र अभी तक नहीं आया हुआ है। इन द केस ऑफ 2016 बीबीसी ब्रॉडकास्ट ऑफ नाइट मैनेजर रिसर्च रिवील दैट वाइल द नॉवल वॉज इन सर्कुलेशन फॉर ओवर 25 ईयर्स 82% ऑफ द कॉपीज इट सोल्ड वर इन 2016 एंड 17। सेल्स ऑफ द पेपरबैक एडिशन रिमेंड स्ट्रॉन्ग इन 2017 इवन आफ्टर द सीरीज वेंट ऑफ द एयर। तो यहाँ पे सेल्स का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2016 में एक रिसर्च में पाया गया कि एक नॉवल था, ये नॉवल द नाइट मैनेजर, इसके ऊपर सीरीज बन गया। ठीक है, तो ये नॉवल जो था 25 सालों से सर्कुलेशन में था, लेकिन 2016 में इसका 82% कॉपीज बिका। जब लोगों ने ये नॉवल टीवी में देखा तब जाके इसका बिक्री जो है, इस बुक का बिक्री और भी बढ़ गया। ठीक है, फिर सेल्स ऑफ द पेपरबैक एडिशन रिमेन स्ट्रॉन्ग, 2017 में भी ये बहुत ज़्यादा बिका, जब ये सीरीज ऑफ द एयर शॉप से हट गया तब भी इसका बुक बिकता रहा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे करते हैं, ये रहा, दिस पैसेज लिस्ट एन एग्जाम्पल प्रूविंग दैट टीवी ड्रामाज बेस्ड ऑन लिटरेरी वर्क्स हैव इंक्रीज द इमीडिएट सेल्स ऑफ द बुक। हाँ, ये हो सकता है, और भी ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीज द सेल्स ऑफ द बुक ड्यूरिंग द फर्स्ट स्क्रीनिंग हैव नो इमीडिएट इम्पैक्ट, ये तो होगा ही नहीं। दे हैड वेरी लिटल इम्पैक्ट, ये भी होगा ही नहीं। तो इंक्रीज द इमीडिएट सेल्स, सेल्स बुक का सेल्स बढ़ जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू पैरा 5 देयर इज अ टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द बुक्स एंड द स्क्रीन। लास्ट पैरा का बात किया जा रहा है, ये रहा, इन कंक्लूजन द रिपोर्ट स्टेट्स दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द पब्लिशिंग एंड द वाइडर क्रिएटिव इकोनॉमी। मतलब बुक और फिल्म और टीवी दोनों में दो वे रिलेशनशिप है। ठीक है, सक्सेसफुल एडेप्टेशन ऑफन हैज स्पिल ओवर इफेक्ट्स एंड गिव अ सब्सटेंशियल बूस्ट टू द सेल्स ऑफ द ओरिजिनल बुक। अगर फिल्म बनाएंगे तो बुक भी बिकेगा, और अगर बुक लिखेंगे तो फिल्म भी अच्छा बनेगा, तो म्यूचुअल रिलेशनशिप है। क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज सो बिकॉज बोथ रिवॉल्व अराउंड द सेम स्टोरी कैटर टू एन ऑडियंस विद द सेम टेस्ट गेन फ्रॉम ईच अदर्स पॉपुलैरिटी बिलोंग टू द क्रिएटिव फील्ड। यहाँ पर ज़्यादा सही ऑप्शन ये लग रहा है, दोनों ही आपस अपने अपने फील्ड में पॉपुलर है, फिल्म भी और बुक्स भी। ठीक है, तो दोनों का पॉपुलैरिटी से दोनों का फायदा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे रीडिंग सेक्शन खत्म हो जाता है, अब आ जाते हैं राइटिंग सेक्शन, ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन में। यहाँ पे आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। देखिए, आंसर एनी 5 out of 6 क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच। 19, द हॉस्पिटल बोर्ड क्लियरली मेंशन दैट यू डैश स्मोक इन द हॉस्पिटल एज इट इज़ अ हेल्थ हैजर्ड फॉर ऑल। तो यू कैन नॉट स्मोक, या फिर मस्ट नॉट स्मोक, या फिर डिड नॉट स्मोक, या फिर माइट नॉट स्मोक। सबसे पहले तो ऑप्शन छाटिए, यहाँ पे क्या क्या नहीं हो सकता है। आपको यहाँ पे स्मोक करने का जरूरत नहीं है, नीड नॉट स्मोक तो होगा नहीं, ठीक है, ऐसा कभी बोलते नहीं है। माइट नॉट स्मोक मतलब आपका मर्जी है, आप स्मोक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो ये भी होगा नहीं।
आप स्मोक नहीं कर सकते, ये आपका एबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसा तो बात नहीं, एबिलिटी पे सवाल नहीं खड़ा करते। मस्ट नॉट स्पीक, ये आपका मॉरल वैल्यू पे इंसिस्ट कर रहा है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे स्मोक नहीं करना चाहिए और मस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा सही ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। 20, देयर्स नेवर डैश पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस द कार। राहुल जब कार को यूज़ कर लेता है तो ज़्यादा पेट्रोल बचता नहीं है, तो मैनी तो हमेशा किसके लिए यूज़ करते हैं, जो काउंटेबल है उसके लिए, तो मैनी होगा नहीं। लिटल का मतलब ना के बराबर, अ लिटल मतलब थोड़ा सा, ठीक है। तो देयर्स नेवर मच पेट्रोल लेफ्ट, ये ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर आई एम टेकिंग ड्राइविंग लाइसेंस नाउ, मैं अभी ड्राइविंग लाइसेंस ले रहा हूँ, मतलब अभी गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ। होपफुली मैं आई डैश माई ड्राइविंग टेस्ट बाई नवम्बर, तो बाई नवम्बर तक मैं ये चीज़ कर चुका हूँगा, ठीक है, तो आई विल हैव टेकन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 22, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इंडायरेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है ये। सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच इज़ द रेंट फॉर योर फ्लैट, तो ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में कैसे करते हैं, तो सुनीता आस्क्ड वेंकट, डब्ल्यू एच वाला है ये, तो हाउ मच रह जाएगा, हाउ मच, और ये क्वेश्चन को हम लोग एसर्टिव में बदल देते हैं। क्वेश्चन में क्या होता है, पहले वर्ब होता है ईच और उसके बाद सब्जेक्ट होता है, लेकिन एसर्टिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम लोग, पहले सब्जेक्ट डालते हैं फिर वर्ब डालते हैं। द रेंट फॉर योर फ्लैट पहले आएगा और ईज या फिर उसका पास्ट फॉर्म बाद में आएगा, ठीक है। तो देखिए, सुनीता आस्क्ड वेकंत हाउ मच द रेंट फॉर हीज फ्लैट, इज का पास्ट हो जाएगा वॉज, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। सुनीता आस्क्ड वेकंत हाउ मच द रेंट फॉर हीज फ्लैट वॉज, समझे कि नहीं समझे, तो इस टाइप का इंट्रोगेटिव आएगा तो आप कर लेंगे। तो इसमें डब्ल्यू एच पूछा है तो हाई चांसेस है कि आपका जो टर्म वन है उसमें एक येस नो के ऊपर क्वेश्चन का ऊपर इंडायरेक्ट इंडायरेक्ट पूछ ले, ठीक है, जिसमें इफ या फिर वेदर लगा के करते हैं, तो ये एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। विच ऑप्शन डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज इन द फॉलोइंग रिपोर्टेड स्पीच, ये भी रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर क्वेश्चन है। सी सेड आई टोल्ड द मंजीत टू सेंड यू एन ईमेल 3 days ago, तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में दिया गया है, सी सेड आई टोल्ड, तो यहाँ पे टोल्ड पास्ट में है, तो हम इसको, मतलब ये सिंपल पास्ट है तो हम इसको क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट हैड टोल्ड होना होगा, ठीक है। तो हैड टोल्ड हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, आँख बन करके ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे, ठीक है। सी सेड डैट सी हैड टोल्ड धर्मजीत टू सेंड एन ईमेल टू मी 3 days before, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द डॉग डैश अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रेन अराइव्ड, ये भी किसी एक काम होने से पहले कोई एक काम हो गया था, ठीक है, तो ये भी पास परफेक्ट वाला टेंस के ऊपर क्वेश्चन है, तो हैड हिडन, ठीक है, द डॉग हैड हिडन अंडर द चेयर, ये हो जाएगा आंसर। तो यही हो गया ग्रामर, अब आते हैं राइटिंग सेक्शन पे। देखिए लेटर राइटिंग कैसे पूछा जाएगा, बहुत लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि लेटर राइटिंग कैसे पूछेंगे, तो देखिए राइट एनी आंसर एनी 5 out of 6 क्वेश्चंस। यू आर देवाश्री अ रेसिडेंट ऑफ सिलीगुड़ी आसाम, ठीक है, एक सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में भी है जहाँ पे हम रहते हैं। यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली ड्रॉइंग अटेंशन टुवर्ड्स द डिफिकल्टी फेस्ड बाई डिफरेंशियली एबल्ड पीपल एट टूरिस्ट प्लेसेस, आपको एडिटर को एक लेटर लिखना है और उसमें सब्जेक्ट क्या होगा कि जो डिफरेंशियली एबल्ड पीपल, मतलब जो विकलांग लोग हैं उनके उनको क्या क्या डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है टूरिस्ट प्लेसेस पे, इस चीज़ के ऊपर आपको लिखना है, ठीक है, ड्रॉइंग अटेंशन। चलिए, सेलेक्ट द ऑप्शन विथ रेलिवेंट एस्पेक्ट दैट देवाश्री शुड सेलेक्ट फॉर दिस लेटर, लेटर में क्या क्या चीज़ वो इंक्लूड करेगी, तो न्यूज़पेपर का नाम ये तो देना ही पड़ेगा, अटैच्ड प्रूफ ऑफ न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, आपने न्यूज़पेपर को लिए सब्सक्राइब किया है कि नहीं, ये तो जरूरी नहीं है। देवाश्री एड्रेस, अपना एड्रेस देना पड़ेगा, फॉर्मल टोन मेंटेन करके रखना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मल लेटर होता है ये। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द लेटर रिसीव्ड, ये नहीं होता है, ठीक है, तो 1, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर, इस लेटर का सब्जेक्ट क्या होगा, तो चूज़ कीजिए आप ही क्या होगा, तो अगर आपने डी चूज़ किया तो आप बिल्कुल राइट है, इनकन्वीनियंस फेस्ड बाई डिफरेंशियली एबल्ड एट टूरिस्ट स्पॉट। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि सी कुछ ज़्यादा ही स्टेटमेंट टाइप हो गया है, टूरिस्ट प्लेसेस आर एन इनकन्वीनियंस टू डिफरेंशियली एबल्ड, ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। अगर आपने एक दो बार भी लिखा होगा तो आप सही समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर डी ही होना है यहाँ पे। विच ऑप्शन शुड देवाश्री सेलेक्ट टू एलैबोरेट ऑन द डिफिकल्टीज फेस्ड बाई डिफरेंशियली एबल्ड, बॉडी में देवाश्री कौन सा पॉइंट डालेगी, एब्सेंस ऑफ रैम्प, ये अच्छा पॉइंट है, अनक्लीन टॉयलेट्स, टॉयलेट्स के लिए तो चलिए,
हाई टिकट प्राइसेस, तो ये अननेसेसरी है मेंशन। हमारा मेन फोकस है डिफरेंशियली एबल्ड पीपल लोग के लिए क्या क्या डिफिकल्टी है वो लिखना है, ठीक है। हाई टिकट प्राइस तो सबके लिए प्रॉब्लम का बात है, तो ऑप्शन ए नहीं चूज़ करेंगे। बी देखते हैं अनसुटेबल विजिटिंग टाइमिंग्स, ये अननेसेसरी है यहाँ पे। सी देखते हैं एब्सेंस ऑफ रैंप, अच्छा पॉइंट है। टूरिस्ट गाइड अनट्रेंड इन साइन लैंग्वेज, ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। फिर लैक ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट टूरिस्ट पैम्फलेट, ब्रेल स्क्रिप्ट मतलब हाथ से छू के वो लोग महसूस कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है पेपर पे, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही पॉइंट अच्छा है, ऑप्शन नंबर सी चूज़ करेंगे। डी में देख लेते हैं हाई टिकट प्राइस, यहाँ पे भी देखे ऑप्शन खराब किया गया है, सी होगा इसका आंसर। 28 देवाश्री शेयर सम सजेशन इन हर लेटर टू एड्रेस द इश्यू, कुछ सजेशन शेयर करती है। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट हेल्प्स हर कंप्लीट दिस सजेशन अप्रोप्रिएटली, वो सजेशन देती है कि इन माय ओपिनियन द मीडिया कैन प्ले अ पाइवोटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स डैश एंड ऑल्सो डैश अगेंस्ट नेग्लिजेंस ऑफ टू द नीड्स ऑफ द डिफरेंशियली एबल्ड एट टूरिस्ट स्पॉट शैल गो अ लॉन्ग वे इन ब्रिंगिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज। क्या होगा सोच के बताइए। ऑप्शन नंबर ए में बिलीव्स एंड ट्रेडिशन कंपोजिंग सॉन्ग्स, कंपोजिंग सॉन्ग्स कहाँ से आ गया ये तो गलत हो गया। परसेप्शन एंड एटीट्यूड कॉशनिंग द अथॉरिटी डाल के देखते हैं। इन माई ओपिनियन द मीडिया कैन प्ले अ पाइवोटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स परसेप्शंस एंड एटीट्यूड्स एंड कॉशनिंग द अथॉरिटीज अगेंस्ट नेग्लिजेंस टू द नीड्स ऑफ, बहुत अच्छा ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट तो द नेग्लिजेंस ये नहीं होगा, इंटरैक्शंस कीपिंग मिनिमम इंटरफेरेंस नहीं, ऑप्शन नंबर बी बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए सेलेक्ट द ऑप्शन डायरेक्टली जस्टिफाइज द चॉइस ऑफ द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ दिस लेटर, दो चॉइस है कौन सा चूज करेंगे जिससे आप लेटर को कंक्लूड करें। आई एक्सपेक्ट द अथॉरिटीज टू टेक एक्शन ऑन दिस इश्यू, प्लीज पोस्ट माई थॉट इन योर न्यूज़पेपर। आई होप माई व्यूज गेट पब्लिश्ड इन द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर सो डैट दिस इशू में गार्नर मोर पब्लिक सपोर्ट एंड अवेयरनेस। ये तो आप इसका आंसर एकदम आसानी से दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर टू होगा इसका। येस टू ऑप्शन वन नहीं, नो टू ऑप्शन वन नहीं, येस टू ऑप्शन टू बिकॉज ऑफ द टोन ऑफ पोलाइट एक्सपेक्टेशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कम्प्लीट्स द कंक्लूडिंग लाइन अप्रोप्रिएटली, आई होप डैट माई लेटर विल हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इश्यू, हो सकता है और भी देख लेते हैं। लीड टू एक्शन अगेंस्ट ऑल अथॉरिटी नहीं, इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ नहीं, रिजल्ट इन पॉजिटिव रिव्यू बाय द रीडर्स, रिव्यू के लिए नहीं लिख रहे, हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे 30 का। तो ये ख़त्म हो गया इसी के साथ राइटिंग और ग्रामर सेक्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट सेक्शन पे लिटरेचर। इस सेक्शन में और भी कुछ सब सेक्शन है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, टोटल 30 क्वेश्चन है, इसमें से 26 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। चलिए नंबर 5, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट फॉलो। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस्ड, ये सब महान लोग, ठीक है। बोला जा रहा है दशकों तक हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ उसका कुछ ऐसा प्रभाव भी पड़ा जो अनइंटेंडेड अनचाहा था, वो प्रभाव क्या था, इनके जैसे महान लोग, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज विजडम एंड जेनरोसिटी डैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। तो इतने महान महान लोग आ गए हैं, ठीक है, इस ऑपरेशन और ब्रुटैलिटी का वजह से। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग ऑपरेशन। चैप्टर तो समझ में आ गया, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अनइंटेंडेड इफेक्ट क्या था। इट मेड द पीपल इनडिफरेंट टू इनजस्टिस नहीं, इट मेड द पीपल रिजेक्ट ऑपरेशन, इट इन्फ्लुएंस्ड अ जनरेशन टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, हाँ इनजस्टिस से लड़ने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस किया, इतने महान महान लोग पैदा हो गए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज रेफर्स टू द पीपल हु, क्या होगा चूज कीजिए यहाँ पे, सबसे ईजी क्वेश्चन है ये, हु डेमोन्स्ट्रेटेड आउटमोस्ट स्ट्रेंथ टू अपोज द सिस्टम, ये हो जाएगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज का, ठीक है। 33 नेल्सन मंडेला कंपेयर्स डैश टू डायमंड्स, किसको कंपेयर करते हैं डायमंड के साथ, तो इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, मुझे डायरेक्टली पता है, वो अपने कंट्री मैन को जो है डायमंड के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। व्हेन नेल्सन मंडेला सेज आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, ही मीन्स डैट दे आर, लोग एक आइडिया के लिए अपने जीवन को दान कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, ये लोग कैसे हैं, जिद्दी है, कमिटेड, कमिटेड होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और 35 है सेलेक्ट द सुइटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग, डेप्थ हाइट,
ऑपोजिट वर्ड का पेयर है, तो कंपैशन का ऑपोजिट क्या होगा? ऑपरेशन। ठीक है, अगला पैसेज है, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड एंड आई एम नॉट, आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, आई हैव अ फैमिली, लविंग आर्ट्स एंड अ गुड होम, नो ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सब कुछ है एक दोस्त के सिवा, ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स। ठीक है, समझाने का तो जरूरत है नहीं, आपने चैप्टर पढ़ ही रखा है। क्वेश्चन है, वाई डज एनी फील द फॉलोइंग, नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, एनी ऐसा क्यों महसूस करती है कि कोई ये विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की इस वर्ल्ड में पूरी अकेली है। तो सी न्यू डैट सी हैड, पीपल न्यू सी हैड अ फैमिली, पीपल जानते थे कि उसके पास फैमिली है, सही बात है, इसलिए एनी ऐसा फील करती थी। फिर पीपल रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ लोनलीनेस, ये तो गलत हो गया। सी हैड सेवरल फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो है उसके पास। सी हैड अ चेयरफुल पर्सनैलिटी, हाँ खुश रहने वाली थी लड़की वो, हर लाइफ वॉज कम्फर्टेबल, कम्फर्टेबल तो नहीं था। तो 1, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नंबर 37, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर 1 एंड 2। ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, एंड ही डजेंट ट्रूली कनेक्ट विद एनी वन, तो किसी के साथ वो जल्दी कनेक्ट नहीं होती है, तो क्या होगा यहाँ पे? तो वन तो सही है और कनेक्ट नहीं हो पाती है, इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाती क्योंकि कोई उसका जल्दी ट्रू फ्रेंड नहीं बनता है। ठीक है, तो क्या होगा? वन फर्दर्स द मीनिंग ऑफ टू, फ्रेंड नहीं है इसलिए जल्दी किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 38, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई एनी स्टोन इन द एक्सट्रैक्ट, टोन कैसा है एनी का? रेस्टलेस, डिससेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड नहीं है वो, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच डिस्प्लेस एन एग्जाम्पल ऑफ हैविंग अ गुड टाइम, हैविंग अ गुड टाइम का मतलब ही इज़ आउट फॉर अ पिकनिक विथ हिज फ्रेंड्स एंड दे आर लाफिंग एंड सिंगिंग टुगेदर, यही है हैविंग अ गुड टाइम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टडिंग हार्ड पीरियोडिक टेस्ट, ये नहीं होगा। ही इज ट्राइंग टू कन्विंस, नहीं। जस्ट रेस्क्यूड पॉपी, नहीं, ये होगा ऑप्शन नंबर ए। 40, वॉट कैन वी, वॉट डू वी गेट टू नो अबाउट एनी वेन सी सेज द फॉलोइंग, आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स, एनी जब ये बोलती है तो एनी के बारे में क्या पता चलता है? सी इज प्राउड ऑफ हर वेज, नहीं, प्राउड तो नहीं है। सी इज स्ट्रगलिंग टू स्ट्राइक कन्वर्सेशन, सी इज अनेबल टू, सी इज अनश्योर ऑफ हर ओन थॉट्स, ऐसा नहीं है। सी इज अनेबल टू हैव अ सेटिस्फाइंग कन्वर्सेशन, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पहले तो मुझे लगा था बी हो सकता है, लेकिन डी ज़्यादा सही है। ठीक है, संतुष्टि वाला कन्वर्सेशन नहीं हो पाता है उसके साथ। चलिए आगे मूव करें। 7, रीड द एक्सट्रैक्ट, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। मनी इज इटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट, एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। चलिए समझ में आ गया, द बॉल पोएम से क्वेश्चन है। मनी इज एक्सटर्नल, जब पोइट ये बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? तो बताइए क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, मनी बाइज मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड कैन बी अर्न अगेन वेन लॉस्ट। ठीक है, 42, वॉट डज द बॉय लर्न बाई लूजिंग द बॉल अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, लड़का क्या क्या सीखता है? तो एक बार पढ़ लेते हैं, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज रिस्पेक्ट आई, द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट नो वन डे एंड मोस्ट नो मैनी डे हाउ टू स्टैंड अप, लॉस के बाद कैसे खड़ा होना है ये सीखता है लड़का। तो देखते हैं, लॉस इज एन अनअवॉइडेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ, सही बात है, लॉस तो होगा ही। मटेरियल ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्लेस्ड, ये मेंशन नहीं है। मनी कैन बाई हैप्पीनेस, नहीं। लॉसेस इन लाइफ कैन बी प्रिवेंटेड विद केयर, नहीं। लाइफ कंटिन्यूज डिस्पाइट लॉस, तो यहाँ पे 5 भी सही हो रहा है क्योंकि लॉस के बाद भी लाइफ चलता है। तो 1 और 5 यहाँ पे हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में हमें 2 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिप्लेस्ड, चलिए इसको भी मान लेते हैं, 1, 2, 5, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 43, द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप, दिस मीन्स ही इज लर्निंग टू बी डैश इन द फेस ऑफ डिफिकल्टी, हाउ टू स्टैंड अप का मतलब हाउ टू बी रेजिलियंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। विच ऑप्शन लिस्ट हु इज स्पीकिंग दिस लाइन, कौन ये लाइन बोल रहा है? तो सबको पता है, ऑब्जर्वर। अकॉर्डिंग टू द पोएट, फ्रॉम हुम डू वी मोस्टली लर्न अबाउट लॉस,
कहाँ से हम लॉस के बारे में सीखते हैं, तो एक्सपीरियंसेस से। काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे ये। आगे मूव करें, रीड द एक्सट्रैक्ट। आई फॉलोड कैजुअली, हेलो अगेन ही सेड, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। द थीव्स स्टोरी का क्वेश्चन है ये। आई वॉन्ट टू वर्क विथ यू, आई सेड। चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर आगे पढ़ेंगे। इवन दो हरी सिंह फॉलोड अनिल कैजुअली, इट वॉज ए या फिर एन। हरी अनिल को कैजुअली फॉलो कर रहा था, लेकिन ये सोच समझ के किया गया साजिश था, ठीक है। तो स्टेज्ड मूव ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई हरीज इंटेंशन बिहाइंड द अपीलिंग स्माइल। वो ऐसा स्माइल क्यों करता है, इंटेंशन क्या है उसका, डिसीट, धोखा देना है उसको अनिल को, ठीक है, चोरी करना है उससे। 48, सिलेक्ट द ऑप्शन लिस्टिंग अनिल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एज रिवील्ड इन द एक्सट्रैक्ट। अनिल को कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो अनिल को हमें पता है अनअज्यूमिंग है वो, काइंड भी है, डिटरमाइंड तो नहीं है, नेव मतलब इनएक्सपीरियंस्ड, तो 1, 2, 4 ह्यूमरस तो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। 49, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन 1 एंड 2। नंबर 1, अनिल गेव हिज मील टू अ स्ट्रे डॉग, सही बात है। हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक, ये भी सही बात है। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2 इज द रिजल्ट ऑफ 1, नहीं, कुत्ता को दिया इसका, नहीं इसका ये होगा ऑप्शन नंबर सी। 2 इज द कॉज फॉर 1, हरी सिंह को खाना नहीं आता, इस खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए वो कुत्ते को दे देता है अनिल, ठीक है, सी होगा इसका आंसर। 50, द फ्रेज हंग अराउंड सजेस्ट दैट हरी सिंह कंटिन्यूड टू, हंग अराउंड मतलब वहीं पे मंडराना, लिंगर, ठीक है। आगे मूव करें 51 पे। लेंचो इज डैश व्हेन ही सेज व्हाट देयर, डैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो लेंचो यहाँ पे क्या फील कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप स्टोरी अच्छे से पढ़ें तो आपको पता चलेगा वो यहाँ पे डिसमिसिव बोल रहा है, वो इस बात को नकार रहा है कि कोई भूख से मर भी सकता है, ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं। 52, विच ऑप्शन करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज इन द गिवन लाइन फ्रॉम फायर एंड आइस। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, होल्ड विद मतलब सपोर्ट करना, मतलब हैव द सेम ओपिनियन एज। द पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट गिवन टू द यंग सीगल बाई हिज पेरेंट्स वॉज टू, उस यंग सीगल के पेरेंट्स उसे क्या सिखाना चाहते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो टीच हिम अ लेसन अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फूड, नहीं, इनकलकेट ओबीडियंस, नहीं, टू लेट हिम ओवरकम इज फियर, हाँ, क्योंकि डर को मारेगा तभी तो वो उड़ पाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 54, पेकी ऑफन गेव अ नज टू वन ऑफ हर फ्रेंड्स व्हेन सी स्पोक टू वेंडा इन द स्कूल यार्ड, दिस मीन्स दैट सी वॉन्टेड हर फ्रेंड टू, बताइए क्या होगा, स्टॉप टॉकिंग टू वेंडा, नहीं, ऑब्जर्व एंड पार्टेक इन द जोक टू वेंड, जोक ऑन वेंडा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, वो चाहती थी कि उसके दोस्त लोग भी वेंडा का मजाक उड़ाए। 55, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो विच नेगेटिव सिम्बल्स हैव बीन यूज टू क्रिएट अ पॉजिटिव इफेक्ट। तो नेगेटिव सिम्बल्स दो ही थे हमें अच्छे से पता है, हेमलॉक ट्री और क्रो। 56 पे आते हैं, मंडेला रेफर्स टू लिबर्टी एज न्यू बॉर्न बिकॉज, नया नया आज़ादी मिला है मतलब, हैड रिसेंटली बीन अटेंड विथ लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, बी, काफ़ी इजी क्वेश्चन। 57, इन द पोयम अ टाइगर इन द जू वर्ड्स, वॉट डज द टाइगर्स क्वाइट रेज इंडिकेट। तो टाइगर्स का क्वाइट रेज क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स दैट द टाइगर्स एंगर इज सप्रेस्ड, ठीक है, इसलिए वो शांत है। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट एप्ली डिस्क्राइब्स ग्रिफिन। ग्रिफिन जो कौन से थे, ये एक साइंटिस्ट थे जो अपने आप को इनविजिबल कर लिए थे, तो इनका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है बताइए, काफ़ी ब्रिलियंट थे लेकिन लॉलेस थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 59, अनिल्स केयरलेसनेस मेड स्टीलिंग फ्रॉम हिम डैश फॉर हरी सिंह। अनिल इतना ज़्यादा केयरलेस था कि हरी को इसमें मज़ा नहीं आ रहा था, तो अनइंटरेस्टिंग फील कर रहा था वो, ठीक है। व्हाट डज द एक्सक्लेमेशन देयर इज अ, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाई मिसिस फॉम्फ्री मीन, यहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन है ये क्या डिनोट करता है, द सर्जरी वॉज सक्सेसफुल, द मिस्ट्रेस कुड टेक बैक हर पेट, ये तो नहीं होगा, द डॉक्टर वॉज अ ग्रेट वेटरनेरियन, ये भी नहीं होगा, द प्लांट वेंचर वॉज फ्रूटफुल, हाँ, जो इन्होंने प्लान किया था वो सक्सेसफुल रहा, क्योंकि यहाँ पे सर्जरी एक्चुअल में तो सर्जरी नहीं किया गया ना, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चूज करना पड़ेगा, जो भी प्लानिंग किया गया था वो प्लान सक्सेसफुल रहा। चलिए तो यही होगा टोटल 60 क्वेश्चंस, इसमें से टोटल 50 ही आपको करने थे, तो ये हो गए टोटल 60 क्वेश्चंस। तो देखा आपने किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे क्या क्या लेसन लिया, सबसे पहले तो आपको
लेटर राइटिंग जो है राइटिंग सेक्शन वो लिख के प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आप ये एमसीक्यू आइटम अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा, आपको एनसीईआरटी बुक लाइन बाय लाइन पढ़ के अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है, तब आप ये सारा क्वेश्चन जो लिटरेचर सेक्शन है वो इजीली आप हैंडल कर लेंगे। और ग्रामर के लिए हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है, वही वहाँ पर सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए फिर एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पर बाकी वीडियोस भी आप वहाँ पर देखिए, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा उन सब वीडियोस से। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।